मेंडल के जो प्रयोगों के परिणाम हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहला प्रयोग, उन्होंने जो पौधों की संख्या ली थी पहले प्रयोग में, वो थी 7324। 7324 पौधों पर वे प्रयोग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने विपरीत गुण वाले पौधों को लिया था, मतलब गोल और झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधों का चुनाव किया था उन्होंने। एक तरफ गोल बीज वाले पौधे थे, दूसरी तरफ झुर्रीदार बीज वाले पौधे थे, ये विपरीत लक्षण हुए। तब जब इनके बीच में उन्होंने परपरागण करवाया तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में उन्हें जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी पौधे गोल बीज वाले पौधे थे, जबकि झुर्रीदार बीज वाले पौधों से करवाया था परपरागण, लेकिन पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले, सभी पौधे गोल बीज वाले मिले। फिर जब उन्होंने ये गोल बीज वाले पौधों में स्वपरागण से जो बीज बने उन पौधों को जब बोया, तो उन्होंने देखा दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में कुछ गोल बीज वाले पौधे मिले तो कुछ सफ़ेद बीज वाले पौधे मिले, जिसमें उन्होंने 5474 गोल बीज वाले पौधे मिले तो 1850 झुर्रीदार बीज वाले पौधे मिले। और जब इन्होंने गोल और झुर्रीदार बीज वाले पौधों का अनुपात निकाला तो वो आया 2.96:1, मतलब लगभग 3:1 के आसपास। ऐसे उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, कितने पौधों पर, 8023 पौधों पर। अब यहाँ पर जो विपरीत लक्षण लिए उन्होंने, वो लिए पीले और हरे बीज, पीले बीज वाले पौधे मटर के और हरे बीज वाले मटर के पौधे, इनके बीच में परपरागण कराया। तो परपरागण करवाने के बाद उन्होंने देखा पहली पीढ़ी में उन्हें सारे पीले बीज वाले पौधे मिले। अब दूसरी पीढ़ी में देखे क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में 6022 पीले बीज वाले पौधे मिले और 2001 हरे बीज वाले पौधे मिले। और जब ये पीले और हरे बीज वाले पौधों का अनुपात निकाला तो वो आया 3.01:1, मतलब लगभग 3:1 के आसपास। ऐसे उन्होंने बहुत सारे विपरीत लक्षणों पे प्रयोग किए और उनका अनुपात निकाला। तो यहाँ पर आप सारणी में देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर आप देखें 7 प्रयोग दिए हुए हैं और 7 प्रयोग के अगर आप अनुपात देखेंगे तो सभी के अनुपात जो आए थे वो आए थे 3:1 के आसपास। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि दो विपरीत गुण जो होते हैं, जिनमें से एक गुण हावी होता है तो दूसरा गुण दब्बू होता है। जैसे कि बैंगनी और सफ़ेद में देखिए, बैंगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधों में जब उन्होंने परपरागण कराया तो पहली पीढ़ी में सभी बैंगनी फूल वाले पौधे मिले। तो इसका मतलब ये है कि बैंगनी फूल वाला जो गुण है वो हावी गुण है, जबकि सफ़ेद फूल वाला जो गुण है वो दब्बू गुण है। और इसी हावी गुण को उन्होंने कहा प्रभावी गुण या डोमिनेंट कैरेक्टर, और अप्रभावी गुण यानी कि दब्बू गुण को उन्होंने कहा अप्रभावी गुण यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर। तो हावी गुण के कारण क्या हो रहा था या प्रभावी गुण के कारण क्या हो रहा था, दब्बू गुण का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही उन्होंने फूलों के रंग में, जैसे कि बैंगनी और सफ़ेद रंग की हमने बात की, फूलों के बीज में पीले हरे रंग के जो बीज थे इनमें भी उन्होंने देखा कि एक हावी गुण है तो दूसरा दब्बू गुण है। ऐसे ही फली के आकार में देखा, एक हावी गुण है तो दूसरा दब्बू गुण है, और पहली पीढ़ी में उसी का प्रभाव दिखाई देगा जो हावी है। जिनके गुण हावी है, जिनके गुण प्रभावी है, वही पहली पीढ़ी में दिखाई देंगे, जबकि वहाँ पर
दब्बू गुण भी मौजूद है, पर दब्बू गुण का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वे अप्रभावी है, उतने प्रभावी नहीं है जितने कि बैंगनी फूल वाले पौधे प्रभावी हैं। तो इससे ये समझ में आया कि बैंगनी फूल या बैंगनी जो रंग है फूल का, ये प्रभावी है और सफ़ेद रंग जो है वह अप्रभावी है। बैंगनी ने सफ़ेद फूल के रंग को क्या कर दिया, दबा दिया, इसलिए सफ़ेद फूल में कौन सा गुण हो गया, दब्बू गुण हो गया। और सफ़ेद फूल लाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कारक होंगे सफ़ेद फूल लाने के लिए वो शुद्ध सफ़ेद हो। जैसे कि शुरुआत में हमने देखा कि शुद्ध सफ़ेद फूल वाले पौधों से शुद्ध सफ़ेद फूल वाले पौधों का निर्माण हो रहा था, उन्होंने इसलिए शुद्ध सफ़ेद पौधे की किस्म पौधों को शुद्ध सफ़ेद माना। और बैंगनी फूल वाले पौधों से बैंगनी फूल वाले पौधों का निर्माण हुआ, तो इन पौधों को उन्होंने कैसे माना, शुद्ध बैंगनी पौधे माना। तो कारक अगर शुद्ध हो तो पौधे भी जो प्राप्त होंगे वो शुद्ध पौधे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से मेंडल ने शुद्ध और संकर पौधों की संख्या में एक निश्चित अनुपात निकाला, जो कि आप सारणी में अभी देखें। फिर जो भी रिजल्ट मेंडल ने निकाला, जो भी परिणाम आया, उनके आधार पर उन्होंने कुछ अनुमान लगाए। क्या अनुमान लगाया, उन्होंने बोला कि प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए दो कारक होते हैं, मतलब दो फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी पौधे के गोल बीज को दर्शाना है, या किसी पौधे के झुर्रीदार बीज को दर्शा रहे, या बैंगनी रंग को दर्शा रहे, या सफ़ेद रंग को दर्शा रहे हैं, तो प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए कितने कारक मौजूद होंगे, दो कारक मौजूद होंगे। दूसरा, उन्होंने बताया कि प्रजनन के दौरान हर जनक से दो कारकों में से एक कारक संतान को मिलता है, और इस प्रकार संतान में कारकों का एक नया जोड़ा बन जाता है, जैसे कि बैंगनी फूल और सफ़ेद फूल। बैंगनी फूल में बैंगनी फूल के कारक मौजूद है, सफ़ेद फूल में सफ़ेद फूल के कारक मौजूद है। अब इन दोनों के परागण से जो संतति बनी वो बैंगनी फूल वाले पौधे मिले, लेकिन कारक कहाँ कहाँ से आए, एक बैंगनी से आया और एक सफ़ेद से आया। दोनों कारकों से एक नया जोड़ा बना, कारकों का एक नया जोड़ा बना जिसमें संतति का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से संतान में कारकों का एक नया जोड़ा बन जाता है। तीसरा, विपरीत गुणों के दो जोड़े कारकों में से एक प्रभावी होता है तो एक अप्रभावी कारक होता है। जैसे कि अभी हमने बात की, बैंगनी फूल में कौन से कारक मौजूद है, प्रभावी कारक मौजूद है, तो पहली पीढ़ी में किसका प्रभाव दिखाई देगा, बैंगनी फूल वाले पौधों का, क्योंकि बैंगनी फूल प्रभावी है। अब ऐसे ही सफ़ेद फूल वाले में भी कारक मौजूद है, लेकिन ये कैसे कारक है, अप्रभावी कारक है, इनमें कैसे गुण मौजूद है, दब्बू गुण मौजूद है। तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों कारक पहुँचे संतति में, लेकिन प्रभाव उसी का दिखाई दिया जो कारक, जो गुण हावी है, हावी गुण ने दब्बू गुण को दबा दिया, इसलिए उसका प्रभाव पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया। तो बच्चों आइए हम एक क्रियाकलाप के आधार पर समझते हैं कि मेंडल ने किस प्रकार के गणितीय आधार पर ये अनुमान लगाए होंगे, ये अनुपात निकाले होंगे, जो हम पहली पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में देखते हैं। चलिए इस क्रियाकलाप से हम समझने का प्रयास करते हैं। संभाव्यता और अनुमान की जांच। क्रियाकलाप तीन, सिक्के के खेल और संभाव्यता। कन्फर्मिंग एजम्पशन विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक, दो या पांच रुपए के एक जैसे दो सिक्के से खेल शुरू करते हैं। एक सिक्के में दोनों तरफ निशान लगा दें। सावधानी रखें कि सिक्के के चित्र हेड या एच एवं पट टेल या टी दोनों भाग दिखते रहे। यह अ सिक्का है,
बिना निशान वाला ब सिक्का हुआ। अब अ एवं ब सिक्कों को एक साथ उछालें और सिक्कों को देखकर सारणी में अ एवं ब सिक्के के चित एवं पट को टैली चिन्ह बनाकर नोट करें कि चित एवं पट कितनी बार आया। यदि पहली बार उछालने पर दोनों पर चित आए तो एच एच के स्तंभ के नीचे एक टैली चिन्ह लगाएं और अगली बार दोनों पर पट आए तो टी टी के नीचे एक टैली चिन्ह लगाएं। ऐसा 500 या 1000 बार दोहराएं। अब अ एवं ब सिक्के की चारों परिस्थितियां कितनी बार मिली इसका प्रतिशत निकालें। क्या हर परिस्थिति 25% मिल रही है? सिक्के की चारों परिस्थितियों अर्थात एच एच, एच टी, टी एच, टी टी का अनुपात आपको 1:1:1:1 मिला होगा, यानी हर एक की संभावना 25% है। अगर आप एक ही सिक्के से खेलते तो चित या पट होने की संभावना कितनी होती? ठीक इसी प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोगों के अवलोकनों के आधार पर परिस्थितियों का प्रतिशत एवं अनुपात निकाला था। अगर हर सिक्के के चित और पट को मेंडल का एक कारक जोड़ा मान ले तो दोनों सिक्कों पर चित एच एच एक साथ आए तो शुद्ध बैंगनी गुण एवं दोनों सिक्कों पर पट टी टी एक साथ हो तो शुद्ध सफेद गुण है। एच टी या टी एच बैंगनी, सफेद या इन दोनों का मिला जुला रंग दर्शा सकता है। परंतु मेंडल के प्रयोग में हमने देखा कि बैंगनी का प्रतिशत 75 है और सफेद का 25। ऐसा तभी संभव होगा जब एच टी टी एच के प्रतिशत को एच एच के प्रतिशत से जोड़ा जाए, यानी 75% बैंगनी मिलेगा। यानी बैंगनी का एक भी कारक हो तो बैंगनी रंग के फूल पैदा करने वाले पौधे मिलेंगे। इसका अर्थ है कि ये बैंगनी कारक सफेद को दबा रहा होगा। इस बात को जांचने के लिए मेंडल कई विपरीत लक्षणों से प्रयोग करते रहे। बच्चों, मेंडल का नाम तो आपने सुना ही है। इनका पूरा नाम है ग्रिगर जॉन मेंडल। ये आनुवंशिकी के जनक है। मेंडल ने आनुवंशिकी से संबंधित बहुत सारे प्रयोग पौधों पर किए और इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ अनुमान निकाले। जैसे उन्होंने कहा कि प्रत्येक लक्षण में दो कारक होते हैं। प्रजनन के दौरान हर जनक में से एक एक कारक संतान को मिलता है और इस प्रकार से संतान में नए कारकों का जोड़ा बन जाता है। इन विपरीत जो जोड़ी वाले कारकों में एक कारक प्रभावी रूप से दिखाई देता है तो दूसरा मौजूद होने के बाद भी दिखाई नहीं देता है। जैसे बच्चों, आपने बैंगनी फूल और सफेद फूल वाले मेंडल के प्रयोग को तो देखा ही है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे मेंडल के प्रयोग को देखते हैं। जब मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में मेंडल को सभी लंबे पौधे दिखाई दिए जबकि वहाँ पर बौने पौधे भी मौजूद थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लंबे पौधे के प्रभावी कारक पहली पीढ़ी में दिखाई दिए जिसने बौने पौधे के कारक को दबा दिया, जिसके कारण हमें पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे दिखाई दिए। चलिए बच्चों, इसे हम एक गणितीय क्रियाकलाप के आधार पर समझते हैं और देखते हैं कि मेंडल ने किस आधार पर यह अनुमान निकाले होंगे। इसके लिए हमें दो एक जैसे सिक्कों की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर मैंने 2 रुपए के 2 सिक्के लिए हैं। इस प्रकार से एक सिक्के में दोनों तरफ मैं एक काला निशान बना दूंगी और हमें निशान इस प्रकार से बनाना है कि सिक्के का चित और पट भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। इस प्रकार से ये हमारा असिक्का हुआ। और इसी प्रकार से जो बिना निशान वाला सिक्का है ये हमारा ब सिक्का है। साथ ही बच्चों, सिक्के का
हेड वाला जो भाग है ये लंबे पौधों के कारक को बता रहा है, और जो टेल वाला भाग है ये बौने पौधों के कारक को बता रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सिक्कों को उछालेंगे, और उछालने के बाद हेड और टेल किस सिक्के में कब आ रहा है इसे हम एक सारणी में टैली चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। तो हम अपना क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों सिक्कों को मैं एक साथ उछालूंगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो निशान वाला सिक्का है उसके उस पर हेड आया है, और जो बिना निशान वाला सिक्का है उस पर भी हेड आया है, मतलब दोनों तरफ एच एच आया है। तो अब हम इसे एच एच स्तंभ में एक टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। चलिए इसे हम फिर से करते हैं। अब हमारा जो असिक्का है, निशान वाला सिक्का, इस पर टेल आया है और बिना निशान वाले सिक्के में हेड आया है। इसे भी हम टी और एच इस स्तंभ में टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। इस प्रकार से एक बार और हम उछालेंगे। अब अ और ब दोनों सिक्कों में टेल आया है, मतलब टी टी वाला जो हमारा स्तंभ है उसके नीचे हम इसे एक टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। इस प्रकार से बच्चों इस प्रक्रिया को हमको कम से कम 500 या 1000 बार दोहराना है। मैं इसे 500 बार करने वाली हूँ। इस प्रकार से दोनों तरफ हेड आया तो हम एच एस स्तंभ के नीचे एक टैली मार्क बना लेंगे। अब अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में हेड आया, मतलब टी और एच स्तंभ के नीचे हमें टैली मार्क बना लेंगे। इसी प्रकार से अ और ब सिक्के दोनों में हेड हेड आया तो हम एच एच स्तंभ के नीचे एक टैली मार्क बना लेंगे। अब अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में हेड आया, मतलब टी और एच, तो टी एच स्तंभ के नीचे हमें टैली चिन्ह बना लेंगे। फिर से उछालते इसको, और हमें इसे फिर से एक साथ उछालना है। इस प्रकार से अ और ब सिक्के दोनों फिथ फूल वाले मेंडल के प्रयोग को तो देखा ही है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे मेंडल के प्रयोग को देखते हैं। जब मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में मेंडल को सभी लंबे पौधे दिखाई दिए, जबकि वहाँ पर बौने पौधे भी मौजूद थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लंबे पौधे के प्रभावी कारक पहली पीढ़ी में दिखाई दिए, जिसने बौने पौधे के कारक को दबा दिया, जिसके कारण हमें पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे दिखाई दिए। चलिए बच्चों इसे हम एक गणितीय क्रियाकलाप के आधार पर समझते हैं और देखते हैं कि मेंडल ने किस आधार पर यह अनुमान निकाले होंगे। इसके लिए हमें दो एक जैसे सिक्कों की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर मैंने 2 रुपये के 2 सिक्के लिए हैं। इस प्रकार से एक सिक्के में दोनों तरफ मैं एक काला निशान बना दूंगी, और हमें निशान इस प्रकार से बनाना है कि सिक्के का चित और पट भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इस प्रकार से ये हमारा असिक्का हुआ, और इसी प्रकार से जो बिना निशान वाला सिक्का है ये हमारा ब सिक्का है। साथ ही बच्चों सिक्के का हेड वाला जो भाग है ये लंबे पौधों के कारक को बता रहा है, और
जो टेल वाला भाग है ये बौने पौधक के कारक को बता रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सिक्कों को उछालेंगे और उछालने के बाद हेड और टेल किस सिक्के में कब आ रहा है इसे हम एक सारणी में टैली चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। तो हम अपना क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों सिक्कों को मैं एक साथ उछालूंगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो निशान वाला सिक्का है उसके उस पर हेड आया है और जो बिना निशान वाला सिक्का है उस पर भी हेड आया है, मतलब दोनों तरफ एच एच आया है। तो अब हम इसे एच एच स्तंभ में एक टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। चलिए इसे हम फिर से करते हैं। अब हमारा जो असिक्का है निशान वाला सिक्का, इस पर टेल आया है और बिना निशान वाले सिक्के में हेड आया है, इसे भी हम टी और एच इस स्तंभ में टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। इस प्रकार से एक बार और हम उछालेंगे। अब अ और ब दोनों सिक्कों में टेल आया है, मतलब टी टी वाला जो हमारा स्तंभ है उसके नीचे हम इसे एक टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। इस प्रकार से बच्चों इस प्रक्रिया को हमको कम से कम 500 या 1000 बार दोहराना है। मैं इसे 500 बार करने वाली हूँ। इस प्रकार से दोनों तरफ हेड आया तो हम एच एस स्तंभ के नीचे एक टैली मार्क बना लेंगे। अब अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में हेड आया, मतलब टी और एच स्तंभ के नीचे हमें टैली मार्क बना लेंगे। इसी प्रकार से अ और ब सिक्के दोनों में हेड हेड आया तो हम एच एच स्तंभ के नीचे एक टैली मार्क बना लेंगे। अब अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में हेड आया, मतलब टी और एच, तो टी एच स्तंभ के नीचे हमें टैली चिन्ह बना लेंगे। फिर से उछालते हैं इसको और हमें इसे फिर से एक साथ उछालना है। इस प्रकार से अ और ब सिक्के दोनों में एच एच आया, हेड आया तो हम एच एच स्तंभ में एक टैली मार्क बना लेंगे। फिर से अ और ब सिक्के में अब टी टी आया, टेल आया, इसलिए टी टी स्तंभ के नीचे हमें टैली चिन्ह बना लेंगे। फिर से इसमें टेल टेल आया इसलिए हम टी टी के नीचे फिर से एक टैली चिन्ह बना लेंगे। अब ये 499, तो हम देख सकते हैं कि अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में भी टेल आया। इस प्रकार से टी टी स्तंभ में हम एक टैली मार्क बना लेंगे। अब ये आखिरी बार हम 500 बार इन सिक्कों को उछाल रहे हैं। इस प्रकार से अ सिक्के और ब सिक्के दोनों में टेल टेल आया तो फिर से हम इसे टी टी स्तंभ में एक टैली चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा परिणाम तैयार हो चुका है। तो बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्तंभ का जो प्रतिशत आया है वो 25% ही आया है। तो ये जो क्रियाकलाप हमने किया है ये संभावनाओं का प्रयोग है और इसी संभावनाओं के आधार पर ये अनुपात यहाँ पर निकला है। तो इसी आधार पर मेंडल ने भी प्रयोग किया था और उन्होंने इस प्रकार का अनुपात निकाला था। अगर हम इस एच एच कॉलम, एच टी और टी एच कॉलम को एक साथ जोड़ देते हैं तो इनका जो प्रतिशत हमें प्राप्त होगा वो लगभग 75% प्राप्त होगा और टी टी कॉलम का जो प्रतिशत प्राप्त होगा वो लगभग हमें 25% प्राप्त होगा।
इस प्रकार से जो अनुपात निकलेगा वो 3:1 होगा। इसी आधार पर मेंडल ने भी 3:1 का अनुपात निकाला था। अनुमान और भी सम और एजम्पशन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, शुद्ध लक्षण वाले जनकों से मेंडल ने अपना प्रयोग शुरू किया था। बैंगनी और सफेद फूल वाले पौधों के प्रयोग की बात करें तो मेंडल द्वारा पहली पीढ़ी को शुरू इस प्रकार किया गया। शुद्ध बैंगनी और सफेद फूल के लक्षण के कारक जोड़ी में होंगे, जिसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। कैपिटल वीवी यानी बैंगनी पर्पल, स्मॉल वीवी सफेद वाइट। इन लक्षण वाले जनकों के बीजांड और परागकण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। बैंगनी और सफेद फूलों पर परागण करवाने पर पहली पीढ़ी के पौधे कैपिटल वी स्मॉल वी कारक वाले होंगे, क्योंकि कारकों के जोड़े इस प्रकार बनेंगे। पहली पीढ़ी से प्राप्त यानी द्वितीय पीढ़ी के जनक पौधे के बीजांड और परागकण इस प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। द्वितीय पीढ़ी के पौधे के कारकों के जोड़े इस प्रकार बनेंगे, यानी 25% पौधे पहली पीढ़ी के बैंगनी फूल वाले जनक पौधे के समान, 25% पौधे पहली पीढ़ी के सफेद फूल वाले जनक पौधे के समान एवं 50% पौधे द्वितीय पीढ़ी के जनक पौधे जैसे मिले। मेंडल के इस प्रयोग में विषम रूप कारक हेटरोजाइगस फैक्टर कैपिटल वी स्मॉल वी है और समरूप कारक होमोजाइगस फैक्टर स्मॉल वी या कैपिटल वी है। सफेद फूल वाले मेंडल के प्रयोग को तो देखा ही है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे मेंडल के प्रयोग को देखते हैं। जब मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में मेंडल को सभी लंबे पौधे दिखाई दिए, जबकि वहाँ पर बौने पौधे भी मौजूद थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लंबे पौधे के प्रभावी कारक पहली पीढ़ी में दिखाई दिए, जिसने बौने पौधे के कारक को दबा दिया, जिसके कारण हमें पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे दिखाई दिए। चलिए बच्चों, इसे हम एक गणितीय क्रियाकलाप के आधार पर समझते हैं और देखते हैं कि मेंडल ने किस आधार पर यह अनुमान निकाले होंगे। इसके लिए हमें दो एक जैसे सिक्कों की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर मैंने 2 रुपए के 2 सिक्के लिए हैं। इस प्रकार से एक सिक्के में दोनों तरफ मैं एक काला निशान बना दूंगी और हमें निशान इस प्रकार से बनाना है कि सिक्के का चित और पट भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इस प्रकार से ये हमारा असिक्का हुआ। और इसी प्रकार से जो बिना निशान वाला सिक्का है, ये हमारा बसिक्का है। साथ ही बच्चों, सिक्के का हेड वाला जो भाग है, ये लंबे पौधों के कारक को बता रहा है और जो टेल वाला भाग है, ये बौने पौधों के कारक को बता रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सिक्कों को उछालेंगे और उछालने के बाद हेड और टेल किस सिक्के में कब आ रहा है, इसे हम एक सारणी में टैली चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। तो हम अपना क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों सिक्कों को मैं एक साथ उछालूंगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो निशान वाला सिक्का है उसके उस पर हेड आया है और जो बिना निशान वाला सिक्का है उस पर भी हेड आया है, मतलब दोनों तरफ HH आया है। तो अब हम इसे HH स्तंभ में एक टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। चलिए इसे हम फिर से करते हैं। अब हमारा जो असिक्का है, निशान वाला सिक्का,
इस पर टेल आया है और बिना निशान वाले सिक्के में हेड आया है। इसे भी हम टी और एच इस स्तंभ में टेलीमार्क के द्वारा दर्शा देंगे। इस प्रकार से एक बार और हम उछालेंगे। अब अ और ब दोनों सिक्कों में टेल आया है, मतलब टी टी वाला जो हमारा स्तंभ है उसके नीचे हम इसे एक टेलीमार्क के द्वारा दर्शा देंगे। इस प्रकार से बच्चों इस प्रक्रिया को हमको कम से कम 500 या 1000 बार दोहराना है। मैं इसे 500 बार करने वाली हूँ। इस प्रकार से दोनों तरफ हेड आया तो हम एच एस स्तंभ के नीचे एक टेलीमार्क बना लेंगे। अब अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में हेड आया, मतलब टी और एच स्तंभ के नीचे हमें टेलीमार्क बना लेंगे। इसी प्रकार से अ और ब सिक्के दोनों में हेड हेड आया तो हम एच एच स्तंभ के नीचे एक टेलीमार्क बना लेंगे। अब अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में हेड आया, मतलब टी और एच, तो टी एच स्तंभ के नीचे हम एक टेली चिन्ह बना लेंगे। फिर से उछालते हैं इसको और हमें इसे फिर से एक साथ उछालना है। इस प्रकार से अ और ब सिक्के दोनों। तो बच्चों आपने क्रियाकलाप में देखा कि हर एक की जो संभावना आई थी वो 25% थी, मतलब एच एच, एच टी, टी एच या टी टी, हर एक की जो संभावना आई थी वो 25% थी और उसका जब अनुपात निकाला गया तो वो 1:1:1 आया। तो ठीक ऐसे ही मेंडल जब प्रयोग करते थे, प्रयोग करने के बाद जब वो अवलोकन करते थे और उनके आधार पर परिस्थितियों का वो एक अनुपात निकालते थे। तो उनका ही एक प्रयोग था बैंगनी फूल वाले पौधे और सफ़ेद फूल वाले पौधे से उन्होंने शुरू किया था, जिसमें मेंडल ने शुद्ध लक्षण वाले जनकों से ही प्रयोग शुरू किया था। तो उन्होंने जो बैंगनी फूल वाले पौधे और सफ़ेद फूल वाले पौधे इनके बीच में पर परागण करवाया था। अब उन्होंने क्या किया कि बैंगनी फूल वाले जो पौधे थे इनके कारक को कैपिटल वीवी से दर्शाया और ऐसे ही सफ़ेद फूल वाले पौधे के कारक को उन्होंने स्मॉल वीवी से दर्शाया। तो यहाँ पर जो कारक है ये जोड़े में उपस्थित है, मतलब वीवी का एक जोड़ा हो गया, ऐसे ही स्मॉल वीवी इनका भी एक जोड़ा हो गया। तो कारकों के जोड़े से वे किसी भी लक्षण को दर्शाते थे। तो जब उन्होंने बैंगनी फूल वाले पौधे और सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच में पर परागण करवाया, मतलब कि सफ़ेद फूल वाले परागकणों को बैंगनी फूल वाले वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया, निषेचन की क्रिया हुई और इस प्रकार से पहली पीढ़ी में जो संतति पौधे प्राप्त हुए वे कैसे बने, तो वे बने कैपिटल वी और स्मॉल वी। अब ये कैपिटल वी स्मॉल वी कैसे आया, तो चेकर बोर्ड में आप देखिए कि शुद्ध लक्षण वाले बैंगनी फूल वाले पौधे के जो कारक है वो कैपिटल वी वी है, ऐसे ही सफ़ेद फूल वाले पौधे के जो कारक है वो स्मॉल वी वी है। इनके बीच में अगर आप क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, ऐसे कैपिटल वी स्मॉल वी। मतलब पहली पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए वे सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, इनमें कैसे कारक उपस्थित थे, एक कैपिटल वी और एक स्मॉल वी, मतलब एक प्रभावी कारक है और एक अप्रभावी कारक है। लेकिन जो बाह्य रूप से दिखाई देने वाले पौधे थे वे सभी बैंगनी पौधे थे, बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए वे सभी बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त हुए, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे सफ़ेद फूल वाले पौधे का कारक भी मौजूद है पर उसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया। किसका प्रभाव दिखाई दिया, जो ज़्यादा प्रभावी है। जनक से संतान बनने पर जो भी जीव अपने लक्षण को अभिव्यक्त करता है,
जो लक्षण प्रकट होते हैं वे प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वे अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से कैपिटल वी और स्मॉल वी मतलब सभी बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। जब उन्होंने इन पौधों के बीच में स्वपरागण कराया, मतलब बैंगनी फूल वाले पौधे का बैंगनी फूल वाले पौधे से ही क्या कराया, परागण कराया, ठीक है। तो स्वपरागण की जब क्रिया हुई तो दूसरी पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए तो वो कुछ इस प्रकार से हुए। तो यहाँ पर आप अगर इनका चेकर बोर्ड में देखेंगे तो कुछ ऐसे हो आएगा, कैपिटल वी और स्मॉल वी का, कैपिटल वी और स्मॉल वी से जब क्रॉस होगा, संकरण होगा, तब देखिए क्या आने की संभावना है। एक कैपिटल वी बनेगा, एक कैपिटल वी स्मॉल वी, तीसरा कैपिटल वी स्मॉल वी, और चौथा बनेगा स्मॉल वी स्मॉल वी। तो कैपिटल वी वी या स्मॉल वी वी ये शुद्ध लक्षण वाले पौधे हो गए। कैपिटल वी वी 25% पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो प्रथम पीढ़ी में जनक के समान थे, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में जो जनक थे वो कैसे थे, कैपिटल वी वी। तो वैसे ही पौधे द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त हुए, कैपिटल वी वी लक्षण वाले। उसके बाद ऐसे ही आप देखेंगे स्मॉल वी वी भी 25% पौधे प्राप्त हुए जो पहली पीढ़ी के जनक के समान आए। 50% जो पौधे प्राप्त हुए, मतलब 25 और 25 मिला के 50% पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो संकर पौधे थे, मतलब इनमें दोनों के कारक मौजूद थे, जैसे कि कैपिटल वी स्मॉल वी 25%, ऐसे ही कैपिटल वी स्मॉल वी 25%, तो टोटल हो गया 50%। तो ये जो पौधे प्राप्त हुए ये पौधे कैसे हैं, संकर पौधे, और इनमें दोनों के कारक मौजूद हैं। तो ये जो पौधे बने कैपिटल वी और स्मॉल वी ये कैसे हैं, ये द्वितीय पीढ़ी के जो जनक पौधे थे, क्योंकि हमने क्या किया था, द्वितीय पीढ़ी में जो जनक पौधे थे वे कौन से थे, कैपिटल वी और स्मॉल वी, इनके बीच में स्वपरागण कराया था, और सेम वैसे ही पौधे प्राप्त हुए कैपिटल वी और स्मॉल वी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी, ये सभी पौधे जो है ये लंबे पौधे ये जो सभी पौधे हैं ये सभी बैंगनी फूल वाले पौधे हैं। और स्मॉल वी कैसे है, सफ़ेद फूल वाले पौधे, क्योंकि बाहर से अगर हम देखेंगे तो ये सभी बैंगनी फूल वाले पौधे हमको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों जो कारक होते हैं ये दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक है विषम रूप कारक और एक है समरूप कारक। अब यहाँ पर हमको विषम रूप में कौन दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे जो कैपिटल वी और स्मॉल वी है ये विषम रूप कारक है, क्योंकि दोनों जो कारक है ये असमान है, एक दूसरे के समान नहीं है, क्योंकि एक कैपिटल वी है और एक स्मॉल वी है। लेकिन समान कारक या समरूप कारक कौन से है, तो आप देखेंगे कैपिटल वी ये एक दूसरे के समान है, इसलिए हम इसे समरूप कारक कह रहे हैं। ऐसे ही स्मॉल वी जो है ये भी एक दूसरे के समान है, इसलिए हम इसे भी क्या कह रहे हैं, समरूप कारक। अब ये जो विषम रूप कारक या समरूप कारक, इसको हम विषम युग्मज या समयुग्मज भी कहते हैं, और समयुग्मज को इंग्लिश में कहा जाता है होमोजाइगस, और विषम युग्मज को इंग्लिश में कहा जाता है हेट्रोजाइगस। तो समयुग्मज मतलब जिसके युग्मक समान है या जिसके कारक समान है वो कहलाते हैं समयुग्मज, जैसे कि कैपिटल वी वी स्मॉल वी वी कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी। ऐसे ही जिसके कारक एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं या असमान हैं, जैसे कि कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक दूसरे से क्या है, एकदम भिन्न है। तो इस प्रकार के जो कारक होते हैं उसे हम कहते हैं विषम रूप कारक। तो बच्चों ऐसे ही परीक्षा में अंतर पूछा जाता है समरूप कारक और विषम रूप कारक के बीच में, तो आपको कम से कम 3 अंतर मालूम होने चाहिए। तो आज हम अभी हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। जनक से संतान बनने पर जो भी जीव अपने लक्षण को अभिव्यक्त करता है,
जो लक्षण प्रकट होते हैं वे प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वे अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से कैपिटल वी और स्मॉल वी मतलब सभी बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। जब उन्होंने इन पौधों के बीच में स्वपरागण कराया, मतलब बैंगनी फूल वाले पौधे का बैंगनी फूल वाले पौधे से ही क्या कराया, परागण कराया, ठीक है। तो स्वपरागण की जब क्रिया हुई तो दूसरी पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए तो वो कुछ इस प्रकार से हुए। तो यहाँ पर आप अगर इनका चेकरबोर्ड में देखेंगे तो कुछ ऐसे हो आएगा, कैपिटल वी और स्मॉल वी का, कैपिटल वी और स्मॉल वी से जब क्रॉस होगा, संकरण होगा, तब देखिए क्या आने की संभावना है। एक कैपिटल वी बनेगा, एक कैपिटल वी स्मॉल वी, तीसरा कैपिटल वी स्मॉल वी, और चौथा बनेगा स्मॉल वी स्मॉल वी। तो कैपिटल वी वी या स्मॉल वी वी ये शुद्ध लक्षण वाले पौधे हो गए। कैपिटल वी वी 25% पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो प्रथम पीढ़ी में जनक के समान थे, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में जो जनक थे वो कैसे थे, कैपिटल वी वी। तो वैसे ही पौधे द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त हुए, कैपिटल वी वी लक्षण वाले। उसके बाद ऐसे ही आप देखेंगे स्मॉल वी वी भी 25% पौधे प्राप्त हुए जो पहली पीढ़ी के जनक के समान आए। 50% जो पौधे प्राप्त हुए, मतलब 25 और 25 मिला के 50% पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो संकर पौधे थे, मतलब इनमें दोनों के कारक मौजूद थे, जैसे कि कैपिटल वी स्मॉल वी 25%, ऐसे ही कैपिटल वी स्मॉल वी 25%, तो टोटल हो गया 50%। तो ये जो पौधे प्राप्त हुए ये पौधे कैसे हैं, संकर पौधे, और इनमें दोनों के कारक मौजूद हैं। तो ये जो पौधे बने कैपिटल वी और स्मॉल वी ये कैसे हैं, ये द्वितीय पीढ़ी के जो जनक पौधे थे, क्योंकि हमने क्या किया था, द्वितीय पीढ़ी में जो जनक पौधे थे वे कौन से थे, कैपिटल वी और स्मॉल वी, इनके बीच में स्वपरागण कराया था, और सेम वैसे ही पौधे प्राप्त हुए कैपिटल वी और स्मॉल वी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी, ये सभी पौधे जो है ये लंबे पौधे ये जो सभी पौधे हैं ये सभी बैंगनी फूल वाले पौधे हैं। और स्मॉल वी कैसे है, सफ़ेद फूल वाले पौधे, क्योंकि बाहर से अगर हम देखेंगे तो ये सभी बैंगनी फूल वाले पौधे हमको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों जो कारक होते हैं ये दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक है विषम रूप कारक और एक है समरूप कारक। अब यहाँ पर हमको विषम रूप में कौन दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे जो कैपिटल वी और स्मॉल वी है ये विषम रूप कारक है, क्योंकि दोनों जो कारक है ये असमान है, एक दूसरे के समान नहीं है, क्योंकि एक कैपिटल वी है और एक स्मॉल वी है। लेकिन समान कारक या समरूप कारक कौन से है, तो आप देखेंगे कैपिटल वी ये एक दूसरे के समान है इसलिए हम इसे समरूप कारक कह रहे हैं। ऐसे ही स्मॉल वी जो है ये भी एक दूसरे के समान है इसलिए हम इसे भी क्या कह रहे हैं, समरूप कारक। अब ये जो विषम रूप कारक या समरूप कारक, इसको हम विषम युग्मज या समयुग्मज भी कहते हैं, और समयुग्मज को इंग्लिश में कहा जाता है होमोजाइगस, और विषम युग्मज को इंग्लिश में कहा जाता है हेट्रोजाइगस। तो समयुग्मज मतलब जिसके युग्मक समान है या जिसके कारक समान है वो कहलाते हैं समयुग्मज, जैसे कि कैपिटल वी वी स्मॉल वी वी कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी। ऐसे ही जिसके कारक एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं या असमान हैं, जैसे कि कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक दूसरे से क्या है, एकदम भिन्न है। तो इस प्रकार के जो कारक होते हैं उसे हम कहते हैं विषम रूप कारक। तो बच्चों ऐसे ही परीक्षा में अंतर पूछा जाता है समरूप कारक और विषम रूप कारक के बीच में, तो आपको कम से कम 3 अंतर मालूम होने चाहिए। तो आज हम अभी हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो जो समयुग्मज या होमोजाइगस,
ये इनके जो लक्षण होते हैं ये शुद्ध बने रहते हैं, जबकि जो विषम युग्मज होते हैं इनके जो लक्षण होते हैं ये शुद्ध नहीं होते, ये एक अंतर इनमें है। तो जैसे कि शुद्ध लक्षण मतलब अगर हम दोनों के कारक सेम है मतलब शुद्ध लक्षण है, जैसे कि कैपिटल VV, कैपिटल TT या स्मॉल VV या स्मॉल TT, दोनों कारक जो है वो समान है तो इनमें से हम इसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी। तो इनके जो लक्षण हैं शुद्ध बने रहते हैं, जबकि विषम युग्मज में लक्षण जो होते शुद्ध बने नहीं रहते, क्योंकि उनमें कारक कैसे, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, कैपिटल T स्मॉल T, कैपिटल V स्मॉल V। जो समयुग्मज होते हैं इनके जो युग्म विकल्पी होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की इनके जो कारक होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं। अब ये युग्म विकल्पी या जिसे हम कहते हैं एलील, ये क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही इनके जो युग्म विकल्पी है ये एक दूसरे के समान नहीं, जैसे अभी हमने देखा कैपिटल T स्मॉल T, कैपिटल V स्मॉल V। तीसरा अंतर यह है कि समयुग्मज ये एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं, जबकि जो विषम युग्मक होते हैं एक जिनकी वंशांगति में ये दो प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो समयुग्मज या होमोजाइगस ये इनके जो लक्षण होते हैं ये शुद्ध बने रहते हैं, जबकि जो विषम युग्मज होते हैं इनके जो लक्षण होते हैं ये शुद्ध नहीं होते, ये एक अंतर इनमें है। तो जैसे कि शुद्ध लक्षण मतलब अगर हम दोनों के कारक सेम है मतलब शुद्ध लक्षण है, जैसे कि कैपिटल VV, कैपिटल TT या स्मॉल VV या स्मॉल TT, दोनों कारक जो है वो समान है तो इनमें से हम इसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी। तो इनके जो लक्षण हैं शुद्ध बने रहते हैं, जबकि विषम युग्मज में लक्षण जो होते शुद्ध बने नहीं रहते, क्योंकि उनमें कारक कैसे, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, कैपिटल T स्मॉल T, कैपिटल V स्मॉल V। जो समयुग्मज होते हैं इनके जो युग्म विकल्पी होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की इनके जो कारक होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं। अब ये युग्म विकल्पी या जिसे हम कहते हैं एलील, ये क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही इनके जो युग्म विकल्पी है ये एक दूसरे के समान नहीं, जैसे अभी हमने देखा कैपिटल T स्मॉल T, कैपिटल V स्मॉल V। तीसरा अंतर यह है कि समयुग्मज ये एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं, जबकि जो विषम युग्मक होते हैं एक जिनकी वंशांगति में ये दो प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक है।